महकावती युवा समिति द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर एवं महाराष्ट्र के अमरावती के बीच में खेला गया है। वहीं यह रोमांचक मुकाबला हुआ है। नरसिंहपुर ने अमरावती को 25 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया है, तो वहीं 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करते हुए ट्रॉफी को भी हासिल किया है। उपविजेता टीम को भी 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा। ये मध्य प्रदेश का एक अच्छे बड़े टूर्नामेंट में इसका नंबर आता है और आयोजन भी बहुत अच्छा था। यहाँ के दर्शक, यहाँ की कमेटी, आयोजन समिति जो भी है, कार्यकर्ता सभी बहुत भरपूर प्यार मिला हम सभी खिलाड़ियों को और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ खेलने पर। देखा गया जब आप लोगों का फाइनल मैच चल रहा था जी, कुछ समय के लिए जो छक्के चौके की बरसात हो गई, उसके बाद टारगेट थोड़ा सा रुक गया था, तो आपको में कोई निराशा आई थी कि जो लक्ष्य लेके चले थे उस लक्ष्य पे आप नहीं पहुंच पाए? किसी भी टूर्नामेंट में मैच जीतने के लिए स्टार्ट मिलना बहुत ही जरूरी होता है और जैसा कि आज हमारी टीम में जो ओपनर गए थे हमारे सीनियर खिलाड़ी बब्बू भाई और शब्बीर लेफ्टी बल्लेबाज हैं, जो बहुत ही अच्छी स्टार्ट दिया उनने टीम के लिए और एक अच्छी बल्लेबाजी की, 10 ओवर तक विकेट नहीं गिरा और 80-90 रन तक कोई भी विकेट नहीं गिरा, तो उसमें टीम का एक मनोबल बढ़ा कि हम और बड़े स्कोर तक जा सकते हैं और बाद के बल्लेबाजों ने वैसे ही काम किया, एक बड़े लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हुए। जो बॉलिंग लाइनें थी, बॉलिंग लाइनें काफ़ी गजब की दिख रही थी जी, जबरदस्त गेंदबाजी चल रही थी, बॉलरों के लिए क्या कहना है? बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में हम लोग आए थे तो हमारा मेन मजबूत पक्ष बॉलिंग लाइन ही था। हम लोग पहले टूर्नामेंट से ही आए, पहले टूर्नामेंट में हम लोग 8-9 लड़कों के साथ खेले थे, दूसरे दो मैचों में, फिर उसके बाद क्वार्टर सेमी में भी हम लोग 8-9 लड़कों के साथ ही खेले, एक दो जूनियर लड़कों को रखा हमने, पर हमारा मेन मजबूत पक्ष था बॉलिंग लाइन। संतोष और मेन बॉलर है जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर खेल चुके हैं, ये काफ़ी गर्व की बात है, संतोष सिंह लोधी, और उसके बाद हमारे नए बॉलर हैं हुसैन भाई, रानू है, सुमित भाई हैं, शब्बीर भाई हैं, सभी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और उसी बॉलिंग के दम पर ही हमने 175 का जो टारगेट दिया था सामने वाले जो अपने ये जो टीम थी महाराष्ट्र क्षेत्र की अमरावती की टीम के लिए, तो हमको एक ऐसा विश्वास था कि हम हमारी बॉलिंग लाइन में रोक सकेंगे उनको। यहाँ की समिति ने जो आयोजन किया, समिति के बारे में क्या कहा? समिति के लिए तो शुभकामनाएं ऐसे आयोजन के लिए, और भी ऐसे आयोजन होते रहे इस क्षेत्र में भी और पूरे MP में, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता रहे और नई नई प्रतिभाएं आए। एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ, 1,00,000 रुपए का टूर्नामेंट का आयोजन कराना बहुत बड़ी बात है हर एक टेनिस बॉल के खिलाड़ियों के लिए।